अरे क्यों भाई इंजीनियर साहब, तैयार हो? सर मेरा प्लान एकदम से रेडी है, आप जैसे ही ऑर्डर करिए काम शुरू हो जाएगा। मतलब सारी तैयारी हो चुकी है? जी सर, मजदूर भी आ गए हैं, क्रेन भी आ गई है, ये देखिए। अरे भाई से बोलने की जरूरत नहीं, बहुत समझदार है ये, आप इशारा तो करो, दो मिनट में पूरी की पूरी बिल्डिंग यूं ढेर। हाँ ठीक कहा आपने, तो भाई देर किस बात की है, चलो काम शुरू करो। बस सर एक बार अंदर नजर मार लूं उसके बाद काम शुरू। ठीक है देख लो, तब तक आप प्लान देखिए। अरे मदन। जी साहब। देख रेडी रहना, यहां से तोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है? ठीक है साहब। की तरह चिल्ला रहे हो सर? अंदर अंदर सर। अरे क्या है अंदर? सर अंदर एक आदमी की लाश पड़ी है सर। लाश? लाश आइए सर, बहुत बदबू आ रही है सर, आइए। देखो लाश को, देखो करो मत, दिल को मजबूत करो। देखो आप में से किसी ने पहले इस आदमी को कभी देखा है? हाँ नहीं सर, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा, हमसे नहीं पहचानते हैं सर। इनफैक्ट मैं तो यहां पहली बार आया हूं सर। ऐसे जल्दी में कुछ भी मत बोल दो, जरा ध्यान से देखो। सर कैसे देखेंगे सर, लाश पूरी तरह से सड़ी हुई है सर। फिर भी चलो इधर आइए, आप देखो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं देखना, बहुत डरावनी लाश है सर। सर सर वैसे भी ये आदमी यहां का नहीं लगता है सर। इस बिल्डिंग का तो केस चल रहा था काफी दिनों से कोर्ट में, यहां तक कि यहां पर कोई वॉचमैन भी नहीं रहता है सर। अच्छा जी, तभी कोई इसे यहाँ पे डाल गया होगा, कोई भी नहीं रहता यहाँ पर? नहीं सर, बिल्डिंग पूरी तरह से खाली है सर। जी इसके शरीर पे कोई चोट वगैरह का निशान तो नहीं है? नहीं, अपने आप तो नहीं मर गए? काफी दिन हो गए इसे मारे हुए, काम करते हैं आसपास अच्छी तरीके से चेक करते हैं, शायद पता चल जाए ये आदमी कौन है। ये आवाज कैसे, कौन है वहां पे? पीछे हटो। ए कौन है? माय गॉड, जानवर की तरह बांध के रखा है आदमी को। घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई 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 नहीं मारेगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मारेगा। कौन हो तुम? मुझे मारा नहीं। कौन, नाम क्या तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम। देखो चलो हमारे साथ चलो, बेचारे को काफी दिनों से बांध के रखा है यहाँ पे, हम तुम्हें इससे अच्छी जगह लेके जाएंगे। अच्छी जगह लेके जाएंगे आराम से, कुछ नहीं होगा, कोई
कुछ नहीं करा सकता। अरे उठो उठो बेटा, मुझे जाने दो। काफी कमजोर है यार, काम करो तुम। यहाँ पे सर्चिंग चालू रखो, लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा देना, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। ठीक है, संभाल के उठो बेटा, उठ जा उठ जा। अरे बेटा संभाल के, डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज इस लड़के को देखिए, ये बहुत सीरियस है। नर्स जी, सिलाइन लगाओ और जल्दी से ऑक्सीजन देने की तैयारी करो। यस सर। ये लड़का क्या लगता है आपको? वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते तो बहुत कुछ है। मैं सीआईडी से हूँ डॉक्टर। ओ क्या हुआ था सर? ये लड़का हमें एक बिल्डिंग में बंधा पड़ा मिला था, पता नहीं कितने दिनों से वहाँ पे था, हो सकता है महीनों से पड़ा। आप इसे ठीक टाइम पे लिया, इसकी हालत बहुत खराब है और शायद इसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। प्लीज आप इसे बचा लीजिए, इसका बचना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सर वहां पे भी कुछ नहीं है। सर कुछ नहीं है, चलो अंदर कमरे में चल के देखते हैं जहां पे उसे बांध के रखा था। के कपड़े स्कूल बैग? सर स्कूल बैग, बच्चे का बैग, ये बच्चे के कपड़े, ये सब यहां क्या कर रहे हैं? कहीं उस लड़के का तो नहीं है? हाँ फ्रेडी, ऐसा ही लगता है। ये कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? क्या हुआ सर, क्या नहीं हो सकता? सही कार्ड पे साल लिखा हुआ है 1999। 1999 मतलब 11 साल? हाँ, और इस बच्चे के सर पे भी वैसे ही टाके लगे हुए हैं जैसे इस लड़के के सर पे थे। ये बैग उसी लड़के का होगा सर। ऐसा लगता है कि स्कूल जाते हुए या स्कूल से वापस आते हुए उसे अपहरण किया गया। फोटो को देख के लगता है कि ये करीब 5-6 साल का रहा होगा तब। तो अब इसकी उम्र 17 या 18 साल की होगी, मतलब पिछले 11 साल से ये बच्चा यहां बंधा हुआ है। 11 साल से? बॉस, किसी भी तरीके की कोई चोट का, चाकू लगने का या गोली लगने का कोई निशान नहीं। मुझे लगता है इसे किसी भी किस्म के हथियार से नहीं मारा गया है। ना हथियार से और ना जहर से। सर जो कुछ भी हमें उसके पेट से मिला है उसे साफ जाहिर होता है कि उसने जहर नहीं खाया। तो फिर ये मरा कैसे? अरे मरा कैसे क्या मतलब भाई, ऊपर वाले का बुलावा आ गया, मर गया, गया ऊपर बस। शायद इसे हार्ट अटैक आ गया होगा। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने इसे जल्दी बुला लिया, वरना मेरे यहां तो ऐसे बुरी मौत मरता ही। न जाने कब से एक छोटे बच्चे को बंदी बना के रखा था इसने। सर उस बिल्डिंग में हमें एक बच्चे के स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड मिला सर। ये कार्ड करीब 11 साल पुराना। हाँ सर, सही देखिए, फोटो में इस बच्चे के माथे पे ये चोट का निशान है सर, आंख के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस लड़के के माथे पे था। इसका मतलब है 11 साल से उस लड़के को इसने बंदी बना कर रखा था। वही तो, इसीलिए कह रहा हूँ बच गया ये, जल्दी ऊपर जाके। साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, एड्रेस है सड़ों के, जरा देख ले यार क्या एड्रेस है, जरा साफ करके देख। तो Thank you.
ये देखो बस, ये अक्षर एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। 63 अंबर गार्डन्स मुंबई। अच्छा देखते हैं इस बच्चे के मां बाप अभी भी इसी एड्रेस पर है क्या। ज्यादातर हम लोग दूसरों के घरों में बुरी खबर लेके जाते हैं। ऐसा मौका बहुत कम ही होता है जब हमारे मुंह से अच्छी खबर निकले। माँ बाप बहुत खुश हो जाएंगे सर जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है। हाँ मुझे तो डर है कहीं खुशी के मारे उन्हें कुछ हो ना जाए। मैं विश्वनाथ हूँ। क्या बात है, अचानक आज सीआईडी को मुझसे क्या काम आ गया? विश्वनाथ जी एक खुशी की बात है, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। विश्वनाथ जी जरा आईडी कार्ड देखिए, पहचानते हैं इसे आप? ये तो मेरे बेटे का आइडेंटिटी कार्ड है। चेतन, ये आपको कहाँ मिला? चेतन के पास से ही मिला है। चेतन कहाँ है? चेतन हमारे पास है। आपको मेरा बेटा कहाँ मिला? मुझे उसके पास ले चलिए, मेरी आंखें तरस गई है उसे देखने के लिए, मुझे उसके पास ले चलिए। एक्चुअली एक सुनसान घर में हमें एक लड़का मिला था और ये आईडी कार्ड हमें उसके पास से ही मिला है। वो लड़का जरूर मेरा भांजा ही होगा। एक बात बताइए, क्या चेतन किडनैप हुआ था कभी? जी। कब? वो मनहूस दिन हम कैसे भूल सकते हैं? 11 साल पहले चेतन स्कूल जाने के लिए घर से निकला, तब से वापस लौट के नहीं आया। और उसके बाद से हमारी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ लिखवाई थी ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज आप लोग आए हैं फरिश्ते बन के। अनिता जी अब तो रोना बंद कीजिए, देखिए हमारा चेतन भी मिल गया ना हमें। प्लीज प्लीज हमारा और इम्तिहान मत लीजिए, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलिए, मुझे मेरे चेतन के पास ले चलिए प्लीज। आइए चलिए। अब एक मिनट, मैं अभी आया। सुनिए आप कहाँ जा रहे हो? वो हमारे चेतन से मिलवा रहा है। चलिए चलिए जल्दी। मैंने कहा ना मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे अपने बेटे से मिलना है। अरे मुझे कुछ काम है, को तो सही। आप रुकिए, सुनो सुनो। कहाँ है चेतन? कहाँ है मेरा बेटा? इधर है, आप लोग इधर। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, अगर इनका लड़का 11 साल से गायब था तो इन्होंने इसे ढूंढने की कोशिश कैसे नहीं की? कह तो रहे कि की है, नहीं मिला तो क्या करते? और सर उस लड़के ने अभी तक उस लाश के बारे में भी कुछ नहीं बताया जो उसके पास मिली थी। अभी तक तो नहीं बताया। डॉक्टर का कहना है कि इतने दिनों तक एक कमरे में बंद रहने की वजह से इसकी याददाश्त ठीक से। मेरा बेटा, मेरा बेटा। कौन है आप लोग? अपनी माँ को नहीं पहचाना? मैं तेरी माँ हूँ माँ। तेरे बगैर एक एक पल एक एक दिन कैसे गुजारा मैं ही जानती हूँ। चेतन मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी मामी और ये तुम्हारे मामा। सुधीर मामा। पहचाना हमको? विश्वनाथ कहाँ? हाँ। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? इतने सालों बाद बेटा मिला है, आइए ना। हाँ। बेटा तुम्हारे पापा। डॉक्टर साहब क्या हम इसे घर लेके जा सकते हैं? सर आप इसे ऐसे ऐसे घर ले जा सकते हैं? पहले ये तो पता कर लीजिए कि ये वाकई में चेतन है भी या कोई और। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? सीआईडी के पास सबूत है, यही हमारा बेटा है। वैसे आप कौन है? जी मैं विश्वनाथ जी की सेक्रेटरी हूँ नीना। मुझे शक है कि क्या क्या शक है आपको? अभी कुछ दिन पहले विश्वनाथ जी ने अनाउंसमेंट की थी कि वो अपनी पूरी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम कर रहे हैं, और अचानक से ये बेटा कहाँ से वापस आ गया? क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? ये हमारा बेटा है, यही हमारा बेटा है। अब मैम मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि ये आपका बेटा चेतन नहीं है।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक बार तसल्ली कर लीजिए कि वाकई में ये चेतन है भी या नहीं। चलिए आपका शक दूर कर देते हैं, डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, आपका डीएनए और इनका डीएनए मिला के देख लेते हैं, सारे शक दूर हो जाएंगे। ठीक है? हाँ, हाँ, मेरा बेटा। हम लोग ये डीएनए टेस्ट करवा तो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। नहीं, डीएनए टेस्ट हो जाए तो अच्छा है, किसी को शक नहीं रहेगा। जिन्हें शक करना है वो करते रहे, हम तो शक नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमारे लिए बस हमारे बेटे का आइडेंटिटी कार्ड ही काफी है। देखिए, अगर डीएनए टेस्ट हो भी जाता है तो उसमें बुराई ही क्या है। नर्स, यस सर, तुमने उस लड़के का डीएनए का नमूना ले लिया? जी सर। ठीक है, ये टेस्ट वगैरह तो होते रहेंगे, हम अपने बेटे को घर लेके जा सकते हैं? ये तो आप इन्हीं से पूछिए, सीआईडी वालों से। नहीं, आपका बेटा है, बिल्कुल ले जा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली मुझे एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करनी है, सबको बताना है कि मेरा वारिस वापस आ गया। हाँ, आप लोग भी पार्टी में जरूर आइएगा। पार्टी में आपने बुलाया तो हम लोग जरूर आएंगे, है ना सर? क्यों नहीं, जरूर आएंगे। आप भी ना बहुत मजा करते हैं। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। अनीता, आज 11 साल के बाद खोया हुआ बेटा मिल ही गया, देर से ही सही, आखिर भगवान की नजर आप लोगों पर पड़ ही गई। हमारे लिए तो सीआईडी ही भगवान है, आज उन्हीं की वजह से हमें हमारा बेटा मिला। तो वरना सच कहूँ तो हम लोग तो उम्मीद खो चुके। आप लोगों ने कुछ लिया? हाँ सर, बेटे के मिलने की खुशी में पैसा पानी की तरह बह रहा है। हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है सर, एक बिछड़ा हुआ बेटा अपने बाप से मिल रहा है। जी, कंग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस विश्वनाथ सर। थैंक यू नीना। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई जस्ट वेट? सर, दाल में कुछ काला है? आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? आइए ना, आइए प्लीज, आइए आइए। अरे सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हमें बड़ी खुशी है कि आप आ पाए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, इनफैक्ट यहाँ पर सब लोग आपसे मिलना चाहते थे। बहुत खुश लग रहे हैं, लगता है जीने रिपोर्ट मिल गई आपको। अब जी, चेतन हमारा ही बेटा है। वैसे है कहाँ चेतन, बुलाओ उसे। अब वो अपने कमरे में है, एक्चुअली इतने दिन से कैद में था तो थोड़ा सहमा हुआ है, तैयार हो रहा है, बस अभी आता ही होगा। क्या मैं जरा डीएनए रिपोर्ट देख सकता हूँ? डीएनए? हाँ हाँ, वो डीएनए रिपोर्ट। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रीति सर, वो रिपोर्ट लेकर आना। हाँ। वैसे आप लोगों का शुक्रिया हम कैसे अदा करें, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है, आपकी वजह से हमें हमारे जीवन का सहारा मिल गया। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आप लोग खुश नसीब हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। विश्वनाथ, तुम कुछ अनाउंस करने वाले थे? अरे हाँ, अरे मुझे वो अनाउंसमेंट करनी है, कोई चेतन को बुला के लाओ भाई। हाँ, मैं बुला के लाता हूँ। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वैसे तो दोस्तों को धन्यवाद या थैंक यू नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ हमारे साथ इस खुशी में शामिल हो सके। एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट मुझे करनी है। विश्वनाथ, विश्वनाथ, चेतन अपने कमरे में नहीं है। क्या? चेतन कमरे में नहीं है? अरे कहीं आसपास होगा, देखो। सर, मैंने सारी जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। चेतन, अनीता,
चेतन, चेतन गया कहाँ? अभिजीत, दया, ढूंढो इस चेतन को, देखो कहाँ गया है। चेतन, चेतन, कहाँ गया ये? चेतन, एक ही जगह जहाँ वो आ सकता है। इतने सारे लोग थे पार्टी में, फिर भी ये चेतन गायब हो गया, किसी को पता नहीं चला। मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, वो कहीं कहीं छुपा होगा। चेतन, 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 तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। कहाँ गया ये? तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा चेतन। चेतन सर, हाँ My God. ये तो मर गया। प्लीज प्लीज हाथ मत लगाइए, संभालिए अपने आप को। क्या हुआ अनिता? चेतन, आप लोग हाथ मत लगाइए, हमें देखना है कि हुआ क्या है। आप लोग सबूत मिटा देंगे प्लीज। बाहर में जाए आपके सबूत। आप लोगों के हाथों में मेरे बेटे का खून हो गया, आप लोग कुछ नहीं कर सके। अनिता जी, चेतन, संभालिए अपने आप को, चलिए मेरे साथ। क्या हो गया चेतन? छाती पे गोली मारी है सर किसी ने। गोली मार चलाई, लेकिन गोली चलने की आवाज तो हुई भी नहीं। इतने लोगों के बीच कोई गोली मार के कैसे भाग सकता है? कोई गोली मार कर भाग नहीं गया है, गोली चलाने वाला यहीं पर है, तुम लोगों के बीच में। अब उठिए, जाइए यहां से, जाइए, जरा दूर बैठिए, चलिए। इस बंगले का बाहर का दरवाजा बंद करो, और यहां जितने भी गेस्ट हैं सबसे कहो कोई बंगला छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। यस सर। गोली किसने मारी है? किसने चलाई है गोली? अपने आप सामने आ जाओ और चुपचाप बता दो खून किसने किया है। सर, ये लोग ऐसे नहीं बताने वाले। फिर मत कहना कि सीआईडी वाले परेशान करते हैं। सबकी तलाशी लो, तलाशी लो सबकी तलाशी। हम लोग यहां इस पार्टी में क्यों आए थे? खुशियां मनाने के लिए कि सर का बेटा वापस आ गया है, लेकिन यहां तो उल्टा सीआईडी के झमेले में फंस गए। देखो, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। हमें तो खुद इस बात से बहुत दुख है कि किसी ने विश्वनाथ जी के बेटे को मार दिया। मैंने तो इनके बेटे की शक्ल तक नहीं देखी और ये हम पर शक कर रहे हैं। जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता सब पे शक किया जाएगा। सर, इनमें से किसी के भी पास गन नहीं। अगर आप लोग हम लोगों की तलाशी लेना बंद करके इस घर की तलाशी लें तो शायद आप लोगों को गन मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि खूनी ने खून करके कहीं छुपा दी हो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, घर की भी तलाशी ली जा रही है, समझे? अभिजीत, गन यहाँ है, छुपा के रखी गई थी कबर्ट में, और इस गन से गोली भी चली है। कनपारों की स्मेल है, शायद ये वही गन है जिससे खून किया गया है। जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती यहां से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। शायद ये गन आप में से किसी की है। सचिन, कुछ मिला? नहीं सर, मिला तो कुछ भी नहीं। ग्यारह साल, 11 साल तक उसे कैद करके रखा, फिर भी उसे चैन नहीं आया। मार दिया उसे, मार दिया। विश्वनाथ जी, इतने सारे लोग थे पार्टी में, किसी एक को तो उस बेचारे चेतन के साथ रुकना चाहिए था। सर, हमें क्या पता था कि
कि अब भी कोई ऐसा दुश्मन बचा है जो जो हमारे चेतन को मारना चाहता है। विश्वनाथ, चेतन को आखिरी बार कब देखा था तुमने? एसीपी साहब, मेहमानों के आने से पहले मैं ही था उसके साथ। एक बार मेहमान आने शुरू हो गए तो मुझे उन्हें अटेंड करने नीचे जाना पड़ा। उसके बाद वो अपने कमरे में अकेला ही था। लेकिन जिस समझ में नहीं आ रहा कि इतने लोग थे घर में, किसी ने गोली की आवाज नहीं सुनी, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है गन पर साइलेंसर लगा हो। हाँ बे, गन मिल गई क्या? घर के अंदर कबाड़ में छुपा के रखी गई सर। इससे गोली चली है, बारूद की बुआ रही है सर इसमें। अच्छा, हाँ सर, एक मिनट, ये गन तो विश्वनाथ जी की है। क्या? आपको कहाँ से मिली है? विश्वनाथ की? विश्वनाथ जी, ये गन आपकी है क्या? ये गन आपकी है? जी जी हाँ। तो फिर विश्वनाथ जी, चेतन का खून इसी गन से हुआ है। देखें भाई, ये गोली क्या कहती है, इस पर भी वही निशान है या नहीं जो चेतन के शरीर में गोली मिली उस पर है। चेतन के शरीर में जो गोली मिली है वो विश्वनाथ की गन में से ही चली है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? एक बाप अपने बेटी को कैसे मार सकता है? इसी आस में कि एक न एक दिन हमें हमारा बेटा जरूर मिलेगा। देखा बेटे, देखा, तेरे ही खून का इल्जाम लगाया जा रहा है। आज तेरे ही माँ बाप को तेरे ही खून में फंसाया जा रहा है। विश्वनाथ जी, आपके घर वालों ने हमें बताया कि उस गन को आपके अलावा और कोई भी हाथ नहीं लगाता, ना कोई लगा सकता। तो फिर किसने मारा चेतन को? किसने मारा? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं, ये गन तुम्हारी है, इसमें से गोली भी चली है, और जो गोली चेतन के शरीर में से मिली है वो भी उसी गन में से चली है। तो फिर तुम्हें नहीं तो और किसे मालूम होगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गन जिस ताले में रखी जाती है उसकी चाबी भी तुम्हारे पास है। ये बात सही है कि नहीं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई सर। हाँ, इनके हाथ में से हमें गन पाउडर का कोई भी ट्रेस नहीं है। क्या? अब तो यकीन आ गया आप लोगों को कि खून इन्होंने नहीं किया। एक बाप ने अपना बेटा खो दिया और आप लोग इन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हैं? या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपने हाथ इतनी अच्छी तरह धो लिए कि कोई ट्रेस बचा ही नहीं। हाँ सर, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने गोली चलाते वक्त ग्लव्स पहन रखे हो। हाँ, जो सबूत हमारे सामने हैं वो सब इन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। सर, एक चौंका देने वाली खबर पता चली है सर। क्या? ओह माय गॉड, बॉस ये रिपोर्ट देखो। विश्वनाथ, इसीलिए चेतन का खून किया तुम?
कब पता चला था तुम्हें कि चेतन तुम्हारा बेटा नहीं है? कब पता चला था? क्या ये हमारा बेटा नहीं? जी मैडम, ये आपका बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डीएनए अलग है और आप लोगों का अलग। ये कैसा मजाक? एसीपी साहब, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 11 साल से हम अपने बेटे के इंतजार में घर में बैठे रोते रहे, तड़पते रहे। एक दिन अचानक आप लोग आए और कहने लगे कि ये हमारा बेटा है। हम आप लोग कह रहे कि ये हमारा बेटा नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ही कहा था ना कि ये हमारा बेटा, कहा था ना? 11 साल बाद किसी को अपना बेटा मिले, कोई उसका खून कर दे, तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी? आप पत्थर दिल वाली सीआईडी क्या जाने? खून को किसी भी कीमत में पकड़ने की जुनून में आप लोग अंधे हो चुके हैं। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है ऑफिसर? मैंने जो डीएनए के नमूने टेस्ट किए थे वो मैच हो गए थे। वो लड़का विश्वनाथ और अनीता का ही बेटा है। नहीं डॉक्टर, वो लड़का असली चेतन नहीं है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। हमने उसका दोबारा डीएनए टेस्ट करके देखा था। तो उस लड़के का डीएनए विश्वनाथ और अनीता से मिला ही नहीं। ये रही उसकी रिपोर्ट। अब इस बारे में मैं और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हमने उसी नमूने की जांच की थी जो यहां पर लाया गया था, और वो मैंने खुद चेक किया था। तो आपका मतलब है आपके पास जो नमूने थे तीनों के, माँ बाप और चेतन, उनमें से चेतन का जो नमूना था वो असली चेतन का था? हाँ, असली था, तभी माँ बाप के डीएनए से मिल गया था। इसका मतलब नमूना बदल दिया गया, नकली चेतन की जगह असली चेतन के डीएनए का नमूना रख दिया गया। मगर सर, ये असली चेतन का डीएनए मिला कहां से होगा? असली चेतन कहीं पे जिंदा है फ्रेडी। क्या? सर, ये डीएनए का नमूना बदल कौन सकता है? ये उस लड़के के डीएनए का नमूना लिया किसने था? हमारा एक लैब असिस्टेंट है सुरेश, उसी ने लिया था नमूना। सुरेश सर, बुलाइए सुरेश को। लेकिन वो तो आज छुट्टी पर है। छुट्टी? उसका एड्रेस है आपके पास? हाँ बिल्कुल, मैं भी लेकर आता हूँ। सुरेश, ये देखो सर, घोड़े बेच के सो रहा है। दरवाजा तोड़ दो फ्रेडी। एकदम ठंडा हो गया सर, सीने पे गोली मारी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस नकली चेतन को मारी थी। पैसे देखो कैसे बिखरे पड़े हैं, ये जरूर डीएनए सैंपल बदलने के मिले हैं इसे, मगर ये काला धन इसे मौत से बचा नहीं सका। मगर सर, डीएनए सैंपल बदलने के लिए इसने चेतन का असली सैंपल बदला है नकली सैंपल से, तो चेतन का असली सैंपल इसके पास कहां से आया सर? किसी ने तो दिया होगा इसे। बिल्कुल, किसी ने तो जरूर दिया होगा, लेकिन किसने दिया होगा? दया सर, जब विश्वनाथ के बेटे का अपहरण हुआ तब उसके पास बहुत पैसा था, और आज भी वो उतना ही अमीर है। मुझे लगता है उसने उन अपहरण करने वालों को जरूर कुछ ना कुछ पैसे दिए होंगे। सर, अगर उसने पैसे दिए थे तो उन लोगों ने उसके बेटे को छोड़ क्यों नहीं दिया? बदमाश लोग हैं दया, क्या भरोसा, लालच बढ़ गई होगी। सर, एक बात और है सर, उन लोगों ने असली चेतन को छोड़ा नहीं,
एक नकली चेतन को पकड़ के रखा माफी तो सर इस नकली चेतन के खाने पीने के लिए पैसे कहीं ना कहीं से तो आते ही होंगे ना सर। और तो और सर उन लोगों ने असली चेतन को कहीं छुपा के रखा है जिंदा सर। वही तो, जैसे ही मुझे पता चला कि उन्होंने ब्लड सैंपल भी बदला है तभी मेरा दिमाग खनक गया कि जरूर असली चेतन अभी भी जिंदा है। सर उसके लिए भी तो वो लोग पैसे लेते होंगे विश्वनाथ से। बिल्कुल, वही तो चेकिंग हो रही है इस विश्वनाथ और उसके बीवी के बैंक के अकाउंट्स की। एक एक एंट्री चेक करो, देखो पैसे कहां से कहां गए हैं। देखो जरा ये क्या एंट्री है सर। विश्वनाथ के अकाउंट से हर महीने ये 20,000 रुपए जा रहे हैं सर। 20,000 रुपए हर महीना किसके अकाउंट में जा रहे हैं? देखो जरा दे, किसका अकाउंट है? सर ये देखिए, ये विश्वनाथ की बीवी अनीता के अकाउंट से 50,000 रुपए सर हर महीने जा रहे हैं। 50,000 50,000 हर महीने। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट पता करना पड़ेगा सर इसके बारे में। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट को विश्वनाथ की बीवी अनीता हर महीने 50,000 रुपये क्यों दे रही है? विश्वनाथ, हमें शक है कि चेतन के अपहरण करने वालों को हर महीने कोई पैसे दे रहा है चेतन को जिंदा रखने के लिए। पता चल गया आपको? जी हाँ। कौन है वो? आप में से ही कोई एक। या? देखा, मतलब आप लोग मुजरिम को तो ढूंढ नहीं सकते हो और खामखा हम लोगों पे इल्जाम लगा रहे हो आप लोग। सच्चाई सुनने के बाद ऐसी ही गालियां निकलती हैं दिल से। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लोग पैसा दे रहे हैं तो हमें अभी तक चेतन क्यों नहीं मिला? अब ये तो आप ही बताइए। हम कैसे बताएं? आपके कहने का मतलब है कि हम पैसे देते हैं चेतन को हमसे अलग रखने के? विश्वनाथ जी, आपके बैंक अकाउंट में से हर महीने एक ही तारीख को 20,000 रुपये दिए जाते हैं। हाँ हाँ, तो तुम किसी को पैसे दे रहे हो? हाँ वो क्यों, किसको दे रहे हो पैसे? इनकी सेक्रेटरी नीना को। हाँ तो ठीक है, किसी को पैसे देना कोई गुनाह थोड़ी ना। नीना को पैसे क्यों दे रहे हो तुम? अरे क्या लगती है वो तुम्हारी? अनीता जी, आप भी कोई दूध की धुली हुई नहीं, आप भी हर महीने किसी को 50,000 रुपए दे रही। वो मैं किसी को पैसे क्यों दूंगी? आपके अकाउंट से पैसे तो जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम किसे जा रहे हैं। मगर हमें मालूम है कहाँ जा रहे पैसे। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट को हर महीने 50,000। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट को क्यों, किस लिए? वो किसी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं दान धर्म करूंगी तो मुझे मेरा बेटा जल्दी मिल जाएगा, इसीलिए मैं हर महीने 50,000 रुपए दान में देती थी। हर महीने 50,000 दान धर्म? किसने किसने कहा ये आपको दान धर्म करने के लिए? नहीं, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा। बहुत परेशान थी ना मैं उस वक्त तो, पर इतना याद है कि वो कोई परिवार का ही था। आपके परिवार का? ये हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट है कहाँ पे? एड्रेस है आपके पास? हाँ है। यहाँ पे तो किसी ट्रस्ट का बोर्ड वगैरह तो नहीं दिख रहा है। लगता है अनीता ने जानबूझ के ऐसी जगह भेज दिया है जहाँ पे कोई मिले ही ना, या फिर ये ट्रस्ट वाले यहाँ से कहीं चले गए होंगे सर। नहीं फ्रेडी, अनीता पिछले 10 सालों से इन ट्रस्ट वालों को पैसे भेज दिए। अगर उन्होंने जगह बदल दी होती तो उसे पता ही चल जाता। सुनो भाई सुनो, क्या बात है सर? तुम इसी एरिया में रहते हो? हाँ इसी एरिया में रहता हूँ। बोलिए क्या काम है, कोई घर वर चाहिए क्या? मैं एस्टेट एजेंट हूँ। अरे नहीं नहीं, हमें कोई घर नहीं चाहिए,
हमें सिर्फ इतना पूछना है कि यहाँ पे कोई ट्रस्ट वगैरह है क्या, हेल्पिंग हैंड नाम का? 10 साल पहले उसका ऑफिस यही कहीं पे था। क्या बात करते हैं साहब, अरे 10 साल में तो पूरा नक्शा बदल जाता है। डायलॉग बंद, सिर्फ इतना पता तो कि यहाँ पे कोई ट्रस्ट है क्या? कोई ट्रस्ट तो है नहीं, ये घर है आपके सामने, देख लीजिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। चल इसे देख ले। दया सर का नाम लेके तोड़ देता हूँ सर। तोड़ो तोड़ो। अगर ये वही ट्रस्ट है तो इसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। पूरा सामान बांध के रखा हुआ है, कहीं जाने की तैयारी? सारा घर बंद करके रखा है सर। फर्नीचर को देखे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ट्रस्ट वगैरह हो। सर अंदर कोई है सर। क्या बंद घर में कैसे कोई हो सकता है? सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई है अंदर। चुप लिखते जरा भी गिली ना तो गोली मार दूंगा, समझी? बच्चे को चाकू मारने का सपना छोड़ दो, हट जाओ पीछे। नहीं हटूंगी। हट जाओ पीछे। नहीं हटूंगी। चल एक मार डालूंगी, देखा? दो आगे मत आना। तीन मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे मत मारना साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। घबराओ मत बेटा, हम लोग आ गए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कौन है ये लड़का? चेतन है साहब। ये चेतन है, क्यों बांध क्यों रखा है इसे तुमने? मैंने नहीं मारा साहब, मैं तो सिर्फ देखभाल करती थी, मारने वाला तो कोई और है। मुझे पैसे मिलते थे साहब इसको देखभाल करने के। कौन है वो आदमी? बोलो। देखो इस वक्त मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम ज्यादा बवाल मत मचाओ। एक बार ये सीआईडी का झमेला खत्म हो गया उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। झमेला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला विश्वनाथ जी, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। अरे आप लोग यहाँ कुछ बाकी रह गया था, मतलब कुछ पूछना बाकी रह गया था? पूछना उछना कुछ नहीं है, बताना है आपको। आप जरा अपने परिवार वालों को बुला लीजिए। हाँ अनीता, अनीता, सुधीर, प्रीति आ जाओ सब इधर। आप, अब मेरे बेटे का कुछ पता चला? जी हाँ पता चल गया है। कहाँ है वो? आपके परिवार में से ही किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। लेकिन ये बात तो आपने पहले भी कही थी ना? कह चुके थे लेकिन तब हमारे पास सबूत नहीं था और अब ठोस सबूत है। कमाल है सर, आप कैसे बातें कर रहे हैं? भला कोई अपने ही परिवार के बच्चे को किडनैप क्यों करेगा? लालच, पैसे का लालच। पैसे का लालच आदमी से क्या नहीं करवा देता है, क्यों सुधीर जी? मैं ठीक कह रहा हूं ना? लेकिन ये बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप में वो सारी बातें। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास है, हाँ बकवास है ये। मैंने अपने भांजे का किडनैप किया क्योंकि मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी और मुझे मालूम था मेरी बहन बहुत भोली है, इसीलिए हर महीने दान पुण्य के नाम पे मैं उससे हेल्पिंग एंड ट्रस्ट में 50,000 रुपए दान करवाता रहा। वो नकली ट्रस्ट जो तुम्हारा था, क्यों? हाँ मैं चेतन के 18 साल के होने का इंतजार कर रहा था
और जैसे ही चेतन 18 साल का हुआ, मैं नकली चेतन को विश्वनाथ के सामने ले आया ताकि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस बन जाए। मगर तुमने नकली चेतन का खून क्यों किया? क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल करने जा रहा था। मेरी बात ध्यान से सुन, कल विश्वनाथ तेरे आने की खुशी में पार्टी दे रहा है और अपनी सारी जायदाद तेरे नाम करने वाला है। कोई भी काम ऐसा मत करना कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। वो सब तो ठीक है मामा जी, लेकिन इस काम के मुझे कितने रुपए मिलेंगे? अरे भांजे, मैंने तुझे पहले ही बताया था ना कि तुझे पूरे 1,00,000 रुपए दूंगा। मेरे प्यारे मामा, तुम जितना समझते हो उतना सस्ता एक्टर नहीं हूँ। इस काम के मैं पूरे 10,00,000 रुपए लूंगा। हैं? वरना मैं चला और मैं अभी जाके ये सारी बात विश्वनाथ जी से कह दूंगा, समझे? अरे मेरे नकली भांजे, तू तो बुरा मान गया। देख, मैं तुझे 10 नहीं पूरे 20,00,000 दूंगा। हैं? तू गाने सुनना, हैं? गाने सुन, कल पार्टी है, हैं? और तुमने विश्वनाथ की गन से उसका खून कर दिया और फिर काम होने के बाद उस लैब असिस्टेंट को भी गोली मार दी, क्यों? हाँ। और वो लाश जो हमें उस नकली चेतन के पास से मिली थी, वो किसकी थी? मुझे नहीं मालूम, मैं तो मुर्दा घर से एक लावारिश लाश को उठा के लाया था ताकि चेतन के मिलने का नाटक सच्चा लगे और मुझ पर किसी को शक ना हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी बहन के बेटे का अपहरण करवाया तुमने ऑफिसर। लेकिन फिर मेरा बेटा चेतन, वो कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है, सही सलामत है। और मामा जी, तुम तो गए, एक बच्चे का अपहरण, दो दो खून, तुम्हें तो फांसी से कोई नहीं बचा सकता। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.